हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु नीतिकम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जेई मेन, और जो कि यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग है। फर्स्ट पार्ट जो है, बोले तो सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन में टोटल एक्चुअली 50 क्वेश्चन है। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 रहेंगे, और सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 रहेंगे। तो इस सेशन में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आसपास की थ्योरी जो है उसको कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी सर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया दैट अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड दी सेंटर ऑफ सर्किल। के दिया कंडीशन कुछ ऐसी है देखिए सर, कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और पार्टिकल जब 60 डिग्री से रोटेट कर गया तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, वेलोसिटी में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इट इज 2v sin थीटा / 2। पहले मैं इस डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, तो ये अपने पास आता है 2v के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे, sin 31/2 होता है, मतलब v का चेंज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज है। नाउ बात करेंगे सर, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज जो है अपन उसको यदि डिस्कस करना चाहें कि साहब ये आता कैसे है। चलिए सर देखो बिटू, मान लो पार्टिकल जो है वो सर्किल में थीटा एंगल घुमा ना, अपन सेंटर की बात करते हैं, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जो है वो थीटा बाई टू के इक्वल है। इस वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड वी है और इस वाले पॉइंट पर भी इसकी स्पीड वी है, बोलो ठीक। अच्छा जी, तो मैंने कहा यदि देखो ये एंगल अल्फा, तो ये वाला 90 है अपने पास, वैसे तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला अल्फा आएगा, ये वाला अल्फा आएगा। वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट है ये तो होगा डियर वी कोस अल्फा, और वेलोसिटी का इधर वाला जो कंपोनेंट है ये होगा वी साइन अल्फा। सिमिलरली यदि मैं ऊपर वाले में बात करता हूं, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा, तो इसका मतलब यहां से अल्फा होगा, तो वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी इधर वाली आ जाएगी वी साइन अल्फा और इधर वाली आ जाएगी वी कोस अल्फा। तो आप जब मैग्नीट्यूड में चेंज देख रहे हैं तो चेंज में देखिए वी कोस अल्फा तो सेम है, वी साइन अल्फा जस्ट रिवर्स हो गया, तो चेंज जो हुआ वो 2v साइन अल्फा का हुआ, मतलब 2v साइन थीटा बाई 2। यही मैंने आपको फॉर्मूले में बतलाया था, बोलो ठीक। तो यहां से करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बोलो सेट। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में कहा गया है कि दो पार्टिकल हैं ए और बी आर मूविंग इनटू कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। ये पार्टिकल r1 रेडियस के सर्किल में और ये वाला पार्टिकल r2 रेडियस के सर्किल में रिवॉल्विंग है विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा, और इनकी एंगुलर स्पीड जो है वो इक्वल है, उसकी वैल्यू अपने पास ओमेगा के इक्वल है। एट t = 0 देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर शोन इन द फिगर। पोजीशन और डायरेक्शन बतला दिया अपन ने, और वेलोसिटी जो है va माइनस vb की वैल्यू पूछी गई है टाइम t = पाई अपॉन 2 ओमेगा पर। देखिए सर, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ए पार्टिकल यहां से घुमा, आपको जो टाइम दिया गया ना डियर वो पाई अपॉन 2 ओमेगा दिया गया है, तो मैं कहूं इस टाइम में जो एंगल रोटेट होती है ना बॉडी थीटा, उसकी वैल्यू ओमेगा इंटू टी के इक्वल आएगी, तो ओमेगा इंटू टी से देखेंगे तो बॉडी पाई बाई 2 का एंगल घूमी है। चाहे आप सर्किल में बात कर लो, चाहे इधर वाली बॉडी के लिए बात कर लो, चाहे उधर वाली दूसरे वाली बॉडी के लिए बात कर लो, दोनों ही बॉडी जो है वो पाई बाई 2 एंगल से रोटेट हुई है। तो पहले वाली एक बॉडी तो पहुंच गई यहां पर जो इधर जा रही थी, और दूसरे जो बॉडी इधर जा रही थी वो वाली बॉडी पहुंच गई यहां, बोलो सेट। अच्छा,
अब इसकी वेलोसिटी तो मेरे पास आई ओमेगा आर वन साथ में माइनस में आई क्या, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक सर्किल में वेलोसिटी हमेशा, सर्किल में बॉडी की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो इधर आ गया माइनस ओमेगा आर वन आई कैप, इस वाले की वेलोसिटी इधर होगी जब बॉडी यहां पहुंच गई तो। और इसकी वेलोसिटी जो मेरे पास आ रही है वीबी वेक्टर, दैट इज माइनस ओमेगा आर टू आई कैप। अब यदि मैं दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस देखता हूं, मेरे को ये तो कैलकुलेट करना व्हाट इज वीबी माइनस वीए माइनस वीबी, तो वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर दैट कम्स एज दिस माइनस दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, इट इज ओमेगा आर टू आई कैप, और वो हो जाएगा माइनस का ही रहेगा, तो इट इज माइनस ओमेगा आर वन आई कैप। यहां से आप क्या कर सकते हैं साहब, ओमेगा को तो डालो कॉमन, तो ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है आर टू माइनस आर वन आई कैप। मतलब दोनों वेलोसिटीज में जो डिफरेंस आ रहा है द डिफरेंस इज ओमेगा आर टू माइनस आर वन आई कैप। कंसेप्ट क्या कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल, टाइम में एंगल निकाला, वेलोसिटी निकाली, खत्म बात। चलिए सर यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, बोलो सेट। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो डियर क्या कहा जा रहा है कि दैट ए पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर आर टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप वेयर ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट टाइम टी इज इन सेकंड्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए सबसे पहले तो यदि मैं पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं तो पोजीशन वेक्टर मेरे को गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। यदि मैं यहां से वेलोसिटी की बात करता हूं ना तो वेलोसिटी मेरे पास आती है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा cos omega t j cap, और यदि मैं यहां से acceleration की बात करता हूं तो वो मेरे पास आता है minus omega square cos omega t i cap minus omega square sin omega t j cap। differentiation तो कर सकते हैं ना बेटे, यहां से देखोगे तो r और v जो है यदि आप dot product लेकर बात करोगे तो it is omega cos omega t sin omega t minus में plus omega sin omega t cos omega t, एक value minus में जितनी है उतनी ही plus में है, तो ये वाली value मेरे पास निकल कर आ रही है कितनी, zero। मतलब यदि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है देन वी कैन कंक्लूड दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी, इट्स पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरा यदि आप यहां से इसको एडजस्ट करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो मेरे पास निकल कर आता है वो इसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में आर वेक्टर निकल कर आता है, इसका एक्सेलरेशन जो निकल कर आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर आ रहा है, और आर वेक्टर जो है वो डायरेक्टेड, देखिए ये जो कंसेप्ट है यदि अपन बॉडी को एक सर्किल में रिवोल्व करवाते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर जो दिया जाता है ना, रेडियस वन मीटर ले लूं तो मैं कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप दिया जाता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो आर वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ तो ए वेक्टर क्या हुआ, बोले जी टुवर्ड्स द सेंटर हुआ। तो अपन क्या कंक्लूजन दे सकते हैं इससे कि पोजीशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर है। चलिए सर यदि अपन यहां से आंसर की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले में दिया दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, बिल्कुल सही, एज ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है डियर दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक सर्कुलर मोशन का। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका मास स्मॉल m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नेचुरल लेंथ l है। स्प्रिंग मास सिस्टम, मास स्मॉल m, स्प्रिंग कांस्टेंट k और नेचुरल लेंथ l, वो इक्विलिब्रियम में है और हॉरिजॉन्टल डिस्क पर। द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क, इफ द डिस्क इज टुगेदर विद द स्प्रिंग मास सिस्टम रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेचुरल लेंथ इज l इज बेस्ट गिवन बाय द ऑप्शन। देखो डियर क्या यहां पर तो हिंज है ना, ये स्प्रिंग है और यहां पर मास m अटैच्ड है, बोले जी ठीक है। नेचुरल लेंथ जो है ना स्प्रिंग की वो है l, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l है। मैंने कहा यदि ये रोटेट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से
तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। मैंने कहा मान लो स्प्रिंग की जो लेंथ है प्रेजेंट सिचुएशन में रोटेशन की वजह से एक्सपेंड होकर, रोटेशन की वजह से एक्सपेंड होकर एल प्लस एक्स हो गई, तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। स्प्रिंग की लेंथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से एक्सपेंशन हुआ कितने का, एक्स का, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, बोला कि एक्स। इक्विलिब्रियम में रेडियल डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा जीरो। तो हमने कहा जी साहब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब के एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगी। बोला बिल्कुल सही है। तो यहां से यदि मैं एक्स की वैल्यू सोल्व करता हूं तो इट इज एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले आए थे। अब पहली चीज तो क्वेश्चन में यह कही गई है कि साहब आपका के जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर है, तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज के, और वैल्यू पूछी गई अपने से एक्स बाई एल की, तो एक्स बाई एल की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। क्या कौन दिया हुआ क्या है, दैट के इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर, तो k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज k, और x बाई l की वैल्यू अपने पास ये निकल कर आ गई। तो डियर यहां से यदि अपन बात करते हैं देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दैट थ्री ब्लॉक्स a b एंड c आर लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, a एंड b हैव इक्वल मासेस स्मॉल m व्हाइल c हैज मास कैपिटल m। ओके, मतलब इन दोनों के मास सेम है और इसका मास कैपिटल M है। ब्लॉक B, ब्लॉक A इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी V टुवर्ड्स B ड्यू टू व्हिच इट कोलाइड्स विद B परफेक्टली इनइलास्टिकली। नाउ दिस कंबाइंड मास कोलाइड्स विद C परफेक्टली इनइलास्टिकली, 5/6 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस, देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल M। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बोला क्या गया बेटू, ये मास स्मॉल M है और इसको मैंने इधर वेलोसिटी U दी, यहां पर भी मास स्मॉल m है और इस वाले प्लेस पर मेरे पास मास कैपिटल m है। पहले ये इससे टकराया फिर ये इससे टकराया और कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो मैं कहूं आफ्टर कोलिजन सिचुएशन जो होगी, देखो बस इसी बात को समझना है, जनरली बच्चे क्या करते हैं पहले इस वाले को सोल्व करेंगे फिर इस वाले को सोल्व करेंगे, कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है, भाई करना क्या, क्या एक्सटर्नल फोर्स है, बोले नहीं है, इसका मतलब हमें क्या फॉलो करना है, बोला लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करना है, बोलो सही। तो भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करना है, मैं का मान लो फाइनल स्पीड इसकी v हो जाती है, फाइनल इसकी v हो जाती है, तो हमने कहा साहब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से पहली चीज तो ये आ गई कि mu की वैल्यू जो है वो 2m प्लस कैपिटल m इंटू v के इक्वल होगी, बोलो सही, बोले हाँ, और इसको अपन लीनियर मोमेंटम पी कह देते हैं, बोलो सेट है, बोला जी ठीक है। तो इनिशियल लीनियर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो तो मेरे पास है साहब p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है लीनियर मोमेंटम तो सेम है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास हो गया मेरे पास 2m प्लस कैपिटल m, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। एंड व्हाट हैज बीन सेड कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में 5/6 पार्ट ऑफ इनिशियल लॉस हो गया, तो बोला रिमेनिंग कितना रहा 1/6, इसका मतलब k फाइनल जो है डियर वो 1/6 ऑफ k इनिशियल है, बोले जी सही बात है। तो k फाइनल की वैल्यू तो आई p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2m प्लस कैपिटल m इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m साथ में 1/6, p स्क्वायर से p स्क्वायर गया 2 से 2 गया, इधर वाला डाटा मेरे पास आया 6m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल m, तो 4m की वैल्यू कैपिटल m के इक्वल आ रही है, हमसे जो डाटा पूछा गया है दैट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल m वर्सेस स्मॉल m, दैट रेशियो इज कमिंग एज 4, क्लियर, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बिल्कुल 5 हो गया, सेक्स की बात करते हैं।
that a piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from a top of a 100 meter building. At the same instant, a bullet of mass 0.02 kg. देखे जब भी इस टाइप का डाटा आपको खेलने के लिए दिया जाए, हाँ ऑब्वियसली खेल ही रहे हैं और क्या है, तो अपन इसके मास को 3m कहेंगे और इसके मास को 2m कहेंगे, बात थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 0.03, 0.02 के बजाय 3m 2m आसान लगता है। m की वैल्यू 0.01, फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन टू द वुड, देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेज अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिफोर फॉलिंग बिलो इज, कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी अचीव करेगा। तो हमने कहा जी साहब देखो, सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर 3m मास को मैंने रिलीज किया और इसके जस्ट नीचे यहां पर मेरे पास 2m मास है और 2m मास को इधर मैंने वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकंड की। बोलो सही? बोले जी ठीक है। अब यदि मैं इसके सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग बात करूं तो डियर सेंटर ऑफ मास इनिशियली ये सेपरेशन दोनों के बीच 100 दे रखा है, तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2, तो 3m इंटू 40 इज इक्वल टू 2m इंटू 60 बराबर आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि साहब 3m इंटू 40 इज इक्वल टू 2m इंटू 60 आएगा। क्या बोले जी आएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लोकेट जो होगा वो इनिशियली यहां से 40 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर, टॉप से 40 मीटर डेप्थ पर होगा। बोले जी ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यही तो होता है m1r1 इक्वल्स टू m2r2। अच्छा जी, फिर उसके बाद यदि मैं इस पॉइंट पर कुछ इसको वेलोसिटी देना चाहूं तो वो कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 2m की तो वेलोसिटी है 100 और 3m की वेलोसिटी है 0 और टोटल मास है 5m, तो इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास आ रही है दैट इज 200m डिवाइडेड बाय 5, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 40 मीटर पर सेकंड की। उसके बाद एक्सीलरेशन की बात करें तो इसका एक्सीलरेशन भी माइनस जी, इसका भी माइनस जी, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी वही। ऐसे तो लिखते हो एसीएम की वैल्यू क्या लिखी जाती है बिट्टू, एसीएम लिखा जाता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यदि a1 a2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों पर जो फोर्स लग रहा है, ये मत सोचो कि वो नीचे जा रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, तो साइन में तो सबके लिए, वेक्टर फॉर्म में तो सबके लिए सेम लिया जाएगा, तो एक्सीलरेशन दोनों के लिए सेम है, तो एसीएम की वैल्यू भी जो है वो ए वेक्टर के इक्वली आती है, मतलब तीनों का एक्सीलरेशन, दोनों बॉडीज का और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन सेम होगा। सो इट्स जस्ट लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखना जरा बात क्या हुई कि साहब एक बॉडी ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है, सेंटर ऑफ मास में बात करें तो एक बॉडी ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है और जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की है, कितनी 40 मीटर पर सेकंड, तो बॉडी की जो मैक्सिमम अचीव्ड हाइट है ग्राउंड से वो कितनी होगी। बोले जी 60 प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, तो इट इज 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसिल आउट हुआ 2 times, सो दिस वैल्यू इज 80, 80 प्लस 60 दैट इज 140 मीटर। क्वेश्चन में जो मैक्सिमम अचीव्ड हाइट पूछी गई है वो बिल्डिंग के टॉप से पूछी गई है, क्वेश्चन में जो मैक्सिमम अचीव्ड हाइट पूछी गई है वो बिल्डिंग से, बिल्डिंग के टॉप से पूछी गई है, टॉप से पूछी गई है। शुरू में अपने पास 100 मीटर की हाइट है, टोटल 140 आया, 100 नीचे 40 ऊपर, बिल्डिंग के टॉप से बात करोगे तो 100 तो ये रहा, 40 अपने पास ये रहा, तो टोटल मिलाकर अपने पास टॉप से जो हाइट आई दैट इज 40 मीटर। बोलो सेट है, पक्का? चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा गया है दैट ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो f इज इक्वल टू kt लग रहा है। x इन द सेम डायरेक्शन द पार्टिकल मूविंग दिस टाइम इंटरवल t सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस टू p टू 3p, k इज ए कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल t इज, कि देखिए बॉडी यहां पर है, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम p है
इस पर इधर कोई वेरिएबल फोर्स लगा और फाइनल लीनियर मोमेंटम 3p हो गया। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल t में। तो मैंने कहा जी साहब चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp बाई dt जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। तो dp बाई dt जो मेरे पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? बोले जी kt के इक्वल आ रहा है। kt के इक्वल आ रहा है तो टाइम t की वैल्यू यहां से मैं लिखूं dp कैन बी रिटन एज kt dt। फोर्स तो गिवन है ना क्वेश्चन में, f की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि साहब f की वैल्यू जो है वो kt के इक्वल है। सो मोमेंटम में जो चेंज है दैट इज dp एंड इट्स लिमिट गोज फ्रॉम p टू 3p इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट किया मैंने kt dt को तो ये वाला इंटीग्रेशन मेरे पास आया kt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो डियर यहां से टाइम टी बोल दो, उसको स्मॉल टी बोल दो, कैपिटल टी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? इधर तो इंटीग्रेट करने पर डीपी का इंटीग्रेशन पी आ गया, लिमिट लगा दी 3p माइनस पी, दैट इज 2p। 2p इज इक्वल टू kt स्क्वायर, स्मॉल टी के प्लेस पर कैपिटल टी पुट किया, डिवाइडेड बाई 2। तो टाइम जो मेरे पास निकल कर आया डियर वो निकल कर आ गया अंडर रूट 2p डिवाइडेड बाई के, अंडर रूट 2p डिवाइडेड बाई के टाइम में बॉडी का लीनियर मोमेंटम पी से इंक्रीज होकर 3p हो जाएगा। बोलो सेट है क्या सर? मैंने इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज किया है कि इंटीग्रेशन fdt जो होता है ना इसको बोला जाता है इंपल्स, और ये जो है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कि साहब लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है वो प्रोवाइडेड इंपल्स के इक्वल होता है। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है वो प्रोवाइडेड इंपल्स के इक्वल होता है। पक्का? चलिए जी सर बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आरसीएम ऑफ एन असिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई असममित किंतु एक समान छड़ है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नगर ले, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछी गई है। बोले जी ठीक है, रोड जो है ना वो एक्चुअली कुछ ऐसे है, मतलब पहले यहां एक रोड है, फिर यहां एक रोड है और यहां एक रोड है, ठीक है। अब देखो डियर इस रोड की जो लेंथ है वो 2l है, इस रोड की जो लेंथ है वो l है, और इस रोड की जो लेंथ है वो भी l है। तो मैं कहूं इसका मास 2m, तो इसका मास m और इसका m और इसका 2m, लेंथ से देख लिया वैसे यूनिफॉर्म है पर स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक है। मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो यदि अपन बनाना चाहें दिस वन इज x एक्सिस दिस वन इज y एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, ये लेंथ है 2l तो ये वाली लेंथ l और इधर से भी l बना अपने पास, तो एक तो मास 2m जो है डियर उसका कोऑर्डिनेट आ गया एल कोमा एम, दूसरा एक जो मास यहां स्मॉल एम है उसका कोऑर्डिनेट, इसके हाइट पे देखना तो वाई कोऑर्डिनेट तो एल बाई टू और एक्स कोऑर्डिनेट 2l, 2l कोमा एल बाई टू, और इसके लिए बात करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके मिड में होगा, तो एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया 5l डिवाइडेड बाई 2,0, वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। बोलो ठीक। अच्छा जी सर, अब मेरे को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखनी है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि साहब आरसी वेक्टर जो होता है वो अपने पास इक्वल होता है m1r1 प्लस m2r2, तीन मासेज है ना, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई द टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो ठीक। अच्छा, ये वाला मास 2m है और इसका सेंटर ऑफ मास जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है li कैप, मैं स्मॉल से लिख रहा हूं, प्लस lg कैप, प्लस में दूसरा वाला मास m2 कितना बिटू m है और उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है 2li कैप प्लस l बाई 2j कैप, प्लस m3 का मास है m और इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है 5l बाई 2i कैप,
डिवाइडेड बाई द टोटल मास, यही तो कैलकुलेट करते हैं, m1 r1 m2 r2 m3 r3 सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाई द टोटल मास, व्हाट इज द टोटल मास, इट इज 2m plus m plus m, दैट इज 4m। देखो डियर m तो हो गया सईद, और ये आया 2l i cap plus 2l i cap plus 5l by 2, तो 2 plus 2 दैट इज 4, 4 plus अपने पास आया 4 plus 5 by 2 that is 13 by 2, तो ये वाला डाटा i cap में पास आ गया 13 by 2 और साथ में नीचे 4 और पड़ा हुआ है, so it is 13 by 8 i cap, plus में j cap में बात करें तो 2 plus 1 by 2 that is 5 by 2, तो 5 by 2 नीचे 4 पड़ा हुआ है that is 5 by 8, तो x coordinate तो आया मेरे पास 13 by 8 i cap, तो y coordinate आया मेरे पास 5 by 8 j cap, तो यदि मैं यहां से बात करता हूं then third one is the correct आंसर, बोलो ठीक। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, एट्थ के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो जेई मेंस में एक्चुअली एम वन, एक तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसको लेकर कई दफा क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप जहां से आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वहां से एक बार प्रॉपरली रिवाइज भी जरूर करें, इस कंसेप्ट की थ्योरी को भी एक दफा दोबारा से ढंग से पढ़ें, पर जिस जगह से क्वेश्चन ज्यादा पहले आ रहे हैं बाद में भी उससे आने के चांसेस हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि चार पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, मास ऑफ ए इज एम, मास ऑफ बी इज 2m, भाई इसका मास है एम, इसका मास है 2m, देखो इसको भी उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसका मास है 3m और इसका मास है 4m। हमसे ये कहा गया है कि आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर दे हैव एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स विद डायरेक्शंस एज शोन, द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इज, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो मैंने कहा देखो चार पार्टिकल यदि हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होता है m1 a1, तो इट इज m इनटू में माइनस a i कैप प्लस m2 a2 दैट इज 2m इनटू में a j कैप प्लस m3 a3 तो 3m इनटू में, इसका मास 3m है और ये इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस 3m इनटू में a i कैप प्लस m4 a4 तो 4m माइनस a j cap divided by the total mass that is 3, 6 that is 10m, m तो सही हो गया अपना, अच्छा जी साहब ये देखो this one is a i cap और this one is 3 a i cap, तो कितना बचा बोले जी 2 a i cap बचा, this one is 2 a j cap and this one is minus 4 a j cap, so यहाँ पर minus 2 a j cap बचा डिवाइडेड बाई अपने पास 10 आ गया, तो 2 बाई 10 दैट इज 1 बाई 5, सो a बाई 5 तो मैंने डाला कॉमन एंड दिस वैल्यू इज i कैप माइनस j कैप, तो इसका जो एक्सीलरेशन अपने पास सेंटर ऑफ मास का आ रहा है दैट इज a बाई 5 i कैप माइनस j कैप, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है, बोलो पक्का। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइन्थ के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो बिटू मेंस के एग्जाम की बात करो चाहे एडवांस के एग्जाम की बात करो चाहे नीट के एग्जाम की बात करो, कोलिजन पर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन सीखना है, दूसरा फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन, दूसरा डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बात खत्म, इसके अलावा फॉर्मूले याद करने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, यूज ही नहीं आते, आप कितने चाहे क्वेश्चन आए हुए ना सारे क्वेश्चन देख लो कोलिजन के। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में कि दैट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी v1 i कैप अंडरगोज ए कोलिजन विद ए बॉडी ऑफ मास m2 विद वेलोसिटी v2 i कैप, बॉडी जो है m1 की वेलोसिटी v1 है m2 की वेलोसिटी v2 है, ओके आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 जो है वो मूव कर रहे हैं v3 i कैप से और v4 i कैप से, और अपने को कुछ इंफॉर्मेशन दी गई v1 कैलकुलेट करना है, v1 अननोन है, तो मैंने कहा दो बॉडीज कोलाइड हो रही है तो एक चीज क्या अप्लाई हो सकती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंट, अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ना,
देखो यदि इस 0.5 को थोड़ा सा सजा के लिखूं ना, तो मैं m2 को ऐसे लिख सकता हूं दैट m2 इज m1 डिवाइडेड बाय 2, तो m1 की वैल्यू जो है वो 2m के इक्वल आएगी, 2m2 के, तो m2 को m कर दूं तो m1 2m हो गया। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन 2m इनटू में v1 i कैप प्लस में m2 वाली जो जा रही है दैट इज m इनटू v2 i कैप इज इक्वल्स टू p इनिशियल हो गया। p फाइनल में बात करें तो m1 वाली v3 से चल रही है, सो इट इज 2m इनटू में और v3 i कैप प्लस m इनटू में v4 i कैप। m तो गया, ठीक है, क्या बोले जी, ठीक है, मैं काम करता हूं v3 वाले को इधर ले आता हूं, दिस वैल्यू कम्स एज 2v1 माइनस में 2v3 i कैप है, सब कुछ, क्या दिक्कत है, इट इज v4 साथ में माइनस में v2, बोलो सही, बोले जी ठीक है। अब क्या दिया गया है कि v3 की वैल्यू जो है, या फिर मैं यहां से कहूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट v3 कम्स एस v1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब v1 की वैल्यू जो है वो 2v3 के इक्वल है, या फिर 2v3 v1 के इक्वल है। जैसे यहां पर मैं v1 रखूंगा इट इज 2v1 माइनस में v1, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, देखो सेवल डाटा के साथ खेल के लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, तो साहब आपके v1 की वैल्यू जो है दैट कम्स एस v4 माइनस में v2, बोलो सही है क्या। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, सिंपली कुछ नहीं लगाया, केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए डियर 11 में क्या कहा जा रहा है, दैट ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट एबीसीडी ऑफ मास कैपिटल एम हैज अ लेंथ स्मॉल ए एंड ब्रेथ स्मॉल बी एज शोन इन द फिगर, इफ द शेडेड पोर्शन एच बी जी ओ इज कट ऑफ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। देखिए सिचुएशन एक्चुअली कुछ ऐसी है, आप ऐसे बात भी क्यों करते हो, आप तो ऐसे बोल दो ना साहब कि मेरे पास तीन प्लेटें और तीन प्लेटों को ऐसे सजा के रखा है, बड़ी वाली प्लेट में से एक प्लेट यहां से हटा दी, बोला थी नहीं, तीनों प्लेटें आइडेंटिकल है, तीनों प्लेटें आइडेंटिकल है, मैंने कहा इसका मास स्मोलम तो इसका भी स्मोलम और इसका भी स्मोलम, अच्छा तो ये तो अपना एक्स एक्सिस है और ये वाला अपना वाई एक्सिस है और यहां बैठा भाई साहब ओरिजिन। अब सुनना जरा बात को, ये वाली डिस्टेंस जो है ए है तो ये ए बाई टू और ये ए बाई टू, ये बी है तो ये बी बाई टू और ये बी बाई टू, क्या बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस ए बाई टू और इसको ए बाई टू बोल रहा हूं, बोलो ठीक, अच्छा जी, ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाली डिस्टेंस को बी बाई टू और इस वाली डिस्टेंस को बी बाई टू बोल रहा हूं, तो मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसके सेंटर पर जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a by 4 कोमा b by 4, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3a by 4 कोमा b by 4, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3a by 4 कोमा b by 4, ये समझे क्या, पहले इसका सेंटर देखा फिर इसका सेंटर देखा, ये a by 2 plus a by 4 3a by 4, तो अब अपने को यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, तो मैंने कहा जी साहब m1 a1 तो m into में a by 4 x के साथ खेलने पहले m into में 3a by 4 plus m into में, oh so this value is a by 4 कोमा 3b by 4, so it is m into me a by 4 divided by total mass 3m, this is xc, same to same yc आएगा तो xc की वैल्यू मेरे पास आ रही है, m तो सही हो गया, this one is a by 4 3a by 4 a by 4 it is 5a by 4 5a by 4 divided by 3, so this value comes as 5a divided by 12, बोलो ठीक है क्या सर, क्लियर पक्का, अच्छा जी सर, तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है मेरे पास सेंटर ऑफ मास की
एक्स कोऑर्डिनेट जो निकल कर आया वो 5a by 12 निकल कर आ गया, तो सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट जो निकल कर आएगा वो 5b by 12 निकल आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है वो 5a by 12 कोमा 5b by 12 होगी। बोलो ठीक। चलिए जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को। 11th के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया दैट ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ डायग्राम पूछा गया अपने से। मोमेंटम और हाइट का करेक्ट डायग्राम पूछा गया है ना। देखिए मोमेंटम जो है बॉडी को जैसे आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो जब बॉडी अपवर्ड मूविंग होगी, जब बॉडी अपवर्ड मूविंग होगी तो उसका मोमेंटम होगा पॉजिटिव ऑब्वियसली, और जब बॉडी डाउनवर्ड मूविंग होगी तो उसका मोमेंटम होगा नेगेटिव। बोलो सही बात है। देखिए पहले जो मोमेंटम है, अब हाइट जो है, यदि ग्राउंड से हाइट की बात करते हैं तो बॉडी की हाइट जो है जैसे स्टार्टिंग में जब वो ग्राउंड लेवल पर है तो उसका हमें पता है स्पीड मैक्सिमम है तो मोमेंटम भी मैक्सिमम है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड मूव करती है हाइट इंक्रीज करती है और मोमेंटम डिक्रीज करता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे डाउनवर्ड मूविंग करती है हाइट डिक्रीज करती है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ना मोमेंटम इंक्रीज करता है। पहले मोमेंटम डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा हाइट के साथ। बोले जी ठीक है। फिर यदि मैं स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ हाइट लिखना चाहूं तो ऐसे लिखी जाएगी यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। बोले जी सही बात है। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, अपवर्ड जाते टाइम v पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाते टाइम v नेगेटिव। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा पहला, इसका मतलब ना तो भाई साहब ये हो सकता ना ही ये हो सकता। पहले मोमेंटम पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो शुरू में क्या हो रहा है सोचो, देखो ये उल्टा जा रहा है, हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है और मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। हाइट डिक्रीज हो रही है, मोमेंटम इंक्रीज होता है लेकिन वो नेगेटिव में होता है। इसमें हाइट का डिक्रीमेंट हो रहा है और मोमेंटम का पॉजिटिव में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये स्टेट गलत हो गया। तो बचा तो वैसे ही वो, अब उसमें देखो क्या हो रहा है, शुरू में जीरो हाइट से शुरू कर रहा है, बॉडी जीरो हाइट से शुरू करती है, अपवर्ड मोशन होता है तो मोमेंटम डिक्रीज होता है। तो देखो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम डिक्रीज, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद नीचे की तरफ जब बॉडी आती है तो उसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट होता है, बट किस में डायरेक्शन में, नेगेटिव में। तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट हो रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो डियर फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है क्या सर, पक्का? चलिए जी सर बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जी सर 13 में क्या कहा गया है कि दैट ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद ए सेकंड बॉडी एट रेस्ट, continues to move in the original direction with one fourth of its original speed, what is the mass of the second body? तो हमने कहा completely elastic collision हो रही है 2 kg की और वो इस direction में moving है u speed से, और यहाँ पर अपने पास एक m kg mass की body रखी हुई है, इनके बीच collision हुई। देख लो collision का question आया है तो दिमाग में set कर लो ये बात कि केवल दो ही चीजें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बॉडी 2 केजी किधर आ रही है, यू स्पीड से एम मास की बॉडी से स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद 2 केजी की जो बॉडी है ना डियर, ये यू बाई फोर्स से मूविंग है। मान लो ये एम केजी की बॉडी वी स्पीड से मूविंग है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें सेकंड वाली बॉडी का मास कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो 2u प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2u बाय 4 दैट इज u बाय 2 प्लस में mv। तो यहां से 2u माइनस u बाय 2 दैट वैल्यू कम्स एज 3u बाय 2 इज इक्वल्स टू mv। पहली चीज तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी वाली चीज किससे निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0, उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। v2 माइनस v1 दैट इज u माइनस u बाय 4 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 दैट इज u माइनस 0, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है मतलब 1। मतलब साहब यहां से v की जो वैल्यू है, u इधर गया और u बाय 4 इधर गया, तो v की वैल्यू आई 5u बाय 4। अब ये 5u by 4 यदि मैं यहां रख दूं तो डियर देखो 3u by 2 is equals to m times 5u by 4। तो सबसे पहले एक तो u से u सही हो गया,
ये कैंसिल आउट हुआ टू टाइम्स, तो मास m की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 6/5, और 6/5 बोला जाए तो बॉडी का जो मास अपने पास आ रहा है दैट मास इज कमिंग एज 1.2 kg. फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो सेट पक्का. चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13 के बाद. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है दैट ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग. ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है. तो देखना कोलिजन के क्वेश्चंस में कुछ नहीं अप्लाई करना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. 14th वाले में दैट ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद स्पीड 2v एंड कोलाइड विद मास 2m विद स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन. ओके आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड कंप्लीटली व्हाइल द सेकंड वन इज स्प्लिट्स इनटू टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m व्हिच मूव्स angle 45 with respect to the original direction, the speed of each mass moving particle will be. देखिए कि यहाँ पर एक m mass का particle है, ये 2v speed से जा रहा है, ये एक 2m mass का particle है, ये v speed से जा रहा है. collision हुई, collision के बाद ये m mass वाला particle तो completely रुक गया. ये जो 2m मास वाला पार्टिकल है ये दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ, इक्वल मास, और एक m मास का पार्टिकल तो इधर से 45 पर गया और एक m मास का पार्टिकल इधर से 45 पर गया. देखिए सिस्टम के पास यदि इनिशियल लीनियर मोमेंटम की बात की जाए तो वो मेरे पास 4mv आ रहा है, 2mv प्लस 2mv, तो सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम 4mv. फाइनल में ये m तो गया. यदि मैं कहूं इसकी वेलोसिटी u है ना भाई साहब, तो इसकी वेलोसिटी भी u होगी. अब बोले आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, यदि मैं जैसे इस देखो लीनियर मोमेंटम की बात करता हूं, फाइनल लीनियर मोमेंटम, तो इस वाले पार्टिकल का इधर वाला कंपोनेंट आया mu by root 2 और इस वाले पार्टिकल का इधर वाला कंपोनेंट आया mu by root 2, इस वाले पार्टिकल का इधर वाला कंपोनेंट आया mu by root 2 और इस वाले पार्टिकल का इधर वाला कंपोनेंट आया mu by root 2. मेरी बात समझ रहे हो, यदि ये दोनों स्पीड इक्वल नहीं हुई तो y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए. लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व. तो साहब mu by root 2 से mu by root 2 तो सही हो गया, ओरिजिनल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम 2mu by root 2 बचा. अब 2mu by root 2 को सजा कर लिखना चाहें सो वी कैन राइट इट लाइक root 2mu. इनिशियल लीनियर मोमेंटम है 4mv, फाइनल लीनियर मोमेंटम है root 2mu. अब देखो डियर m से तो m सही हो गया, u की वैल्यू आई 4v या फिर अपन कहें 2√2v, 4v by root 2 या फिर 2√2v. हर एक बॉडी की स्पीड जो होगी वो 2√2v होगी. सो इसमें यदि मैं बोलूं डियर देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो सेट है पक्का. चलिए जी सर बात को आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15. देखो क्या कहा जा रहा है कि दैट ए वेज ऑफ मास कैपिटल एम, कैपिटल एम की वैल्यू 4m के इक्वल है, लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन. ओके ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m अप्रोचेस द वेज विद द स्पीड v, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन द पार्टिकल एंड द वेज. द मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज गिवन बाय. कैपिटल m की वैल्यू 4m के इक्वल है. समझना जरा बात को, एक्चुअली बहुत अच्छा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है. सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे ये ग्राउंड लेवल, यहां पर मेरे पास 4m मास का मास पार्टिकल प्लेस्ड है, ये एक स्मॉल m मास का पार्टिकल आया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v है. होगा क्या कि फाइनली जब ये स्मॉल m इस 4m पर, जब ये स्मॉल m इस 4m पर मैक्सिमम हाइट पर होगा, जब ये स्मॉल m इस 4m पर मैक्सिमम हाइट पर होगा
मैंने कहा मान लो एच है, जब ये स्मॉल एम इस 4m पर मैक्सिमम हाइट पर होगा तो एक्चुअली ये दोनों ही बॉडी जो है वो सेम स्पीड से मूविंग होगी। देखो जब ये इसके ऊपर की तरफ मोशन कर रहा होगा, जब ये इसके ऊपर की तरफ मोशन कर रहा होगा तो इस बॉडी पर वेज इधर नॉर्मल लगाएगा और ये बॉडी वेज पर इधर नॉर्मल लगाएगी, और इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है वो वेज पर इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो वेज की स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। बट जब मैक्सिमम हाइट वाली बात आएगी ना तो मैक्सिमम हाइट वाले केस में दोनों बोला अब ये और इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब स्मॉल एम, मेरी बात को समझना, स्मॉल एम फोरम पर और ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब स्मॉल एम फोरम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बोले जी बिल्कुल सही, रेस्ट में है। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो mv की वैल्यू 5 mu के इक्वल आई, इसका मतलब मेरा u जो है वो v बाई 5 के इक्वल आया। बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। तो एक तो स्पीड की वैल्यू v बाई 5 आ गई, दूसरा अपन भाई यहां पर जो फोर्स एक्टिंग है, वर्किंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज ए टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो भाई लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यदि अपन अप्लाई करें तो अपन बोलेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल, u इनिशियल है जीरो और k इनिशियल की बात करोगे डियर तो k इनिशियल है हाफ mv स्क्वायर, u फाइनल की बात करोगे तो भाई देखो कैपिटल m की हाइट में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, स्मॉल m जरूर ग्राउंड से h हाइट पर गया तो स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी mgh, और फिर 4m और स्मॉल m की काइनेटिक एनर्जी दैट इज 5m इनटू में अपने पास v by 5 दैट इज v स्क्वायर बाय 25। सॉल्व किया देखो डियर m m और m ये तो सही हो गया, इधर डाटा मेरे पास बचा v स्क्वायर बाय 2 माइनस में v स्क्वायर बाय 10, दैट वैल्यू इज इक्वल टू gh। अब देखो इट इज 5v स्क्वायर बाय 10, इट इज v स्क्वायर बाय 10 सो इट इज 4v स्क्वायर बाय 10, 4v स्क्वायर बाय 10 बोले तो 2v स्क्वायर बाय 5 अपने पास आ गया, 2v square by 5 की वैल्यू gh के इक्वल आ गई, तो जो मैक्सिमम अचीव्ड हाइट है वो अपने पास 2v square divided by 5g के इक्वल अपने पास आ रही है। मैक्सिमम अचीव्ड हाइट वेज पर बॉडी की जो है दैट इज 2v square divided by 5g। तो यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं बेटा देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक। चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो डियर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, 16 में कहा जा रहा है द टू पार्टिकल ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड 2m मूविंग एज शोन इन द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड ओके कोलाइड्स इलास्टिकली एट द ओरिजिन, आफ्टर कोलिजन दे मूव अलोंग द इंडिकेटेड डायरेक्शन विद स्पीड v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 आर नियरली। देखो सिंपल सा केस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोलिजन के केस में केवल और केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना सीख लो एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन बात खत्म हो जाती है। सिचुएशन क्या है साहब कि यहां पर मेरे पास एक m मास की बॉडी जो है वो यहां से 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है और उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मास है कैपिटल एम। सिमिलरली दूसरे वाली बॉडी यहां से 45 डिग्री के एंगल पर जिसका मास है 2m और वो आ रही है डियर 5 मीटर पर सेकंड से। बोले जी ठीक है, फिर 2m मास वाली बॉडी तो इधर चली गई यहां से 30 डिग्री के एंगल पर और उसकी स्पीड है v1, और m मास वाली बॉडी जो है वो इधर चली गई v2 स्पीड से, वो चली गई 45 डिग्री के एंगल पर। And what we have to calculate? We have to calculate V1 and V2. तो एक ही चीज linear momentum conservation. देखो इसका linear momentum 10m है और इसका भी linear momentum 10m है, mass into speed से. तो इसका component 10m cos 30, इसका 10m sin 30. तो मैं क्या apply करने जा रहा हूँ? कि साहब P initial is equals to P final. तो P initial तो है 10m. cos 30 i cap root 3 by 2 i cap minus sin 30 j cap, तो minus 1 by 2 j cap। ये बात समझे क्या बेटा? कि इसका जब linear momentum देखेंगे तो इसका linear momentum horizontal से 30 degree पर नीचे की तरफ, that is 10m cos 30 और sin 30 वाले component। similarly इसके लिए 10m
cos 45 i cap plus sin 45 j cap, so it is 10m, साथ में 1 by root 2 i cap plus 1 by root 2 j cap is equals to, p final की बात करें, तो final linear momentum 2m v1 root 3 by 2 i cap plus 1 by 2 j cap, कुछ नहीं, p initial is equals to p final put किया, और इसके लिए लिखोगे तो m v2 1 by root 2 i cap minus 1 by root 2 j cap, m v2 1 by root 2 i cap minus में 1 by root 2 j cap. अब करना क्या है, एक तो भाई साहब m जो है वो शहादत प्राप्त कर गया चारों से, अब आपको i cap और j cap के coefficients जो है उनका comparison करना है. तो यदि मैं इधर से बात करूं तो इधर आई कैप का कंपोनेंट जो आ रहा है, दिस इज 2 दिस इज 10, तो अपने पास 5 बचा, तो आई कैप में एक तो 5√3 आ गया, एक यहां से 5√2 आ गया, तो साहब एक तो आ गया 5√3 आई कैप और एक अपने पास आ गया 5√2 जे कैप. अच्छा जी, इधर वाले से बात करेंगे तो ये आया √3 v1 प्लस v2 by √2, एक इक्वेशन आई कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पर करेंगे, क्या लिख दिया आई कैप है, और जे कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो ये माइनस में 5 जे कैप प्लस 5√2 जे कैप, इधर वाला डाटा मेरे पास आ गया v1 जे कैप माइनस v2 by √2. बोलो सही है क्या सर, बोले जी सही है. एक काम करो डियर, दोनों भाई कोफिशिएंट तो हट गए आई कैप जे कैप, और इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे ना, ऐड करते ही ये 5√3 - 5, तो इट इज 5√3 - 1 प्लस में 10√2 इज इक्वल्स टू √3 + 1 इनटू में v1 आ गया. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1, v1 की वैल्यू आने के बाद वैल्यू पुट करके v2 कैलकुलेट किया जा सकता है. थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, लेंथी सा है, इसमें यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं डियर, तो सोल्व करने पर सेकंड वाला जो है वो अपने पास करेक्ट आंसर आता है. बोलो ठीक. चलिए जी सर, 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन द फिगर. द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट बतलाने हैं. देखो 3 मासेस हैं, यदि मेरे को आरसी कैलकुलेट करना होता है तो इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इससे कैलकुलेट होता है. तो यहां से यदि मैं बात करूं आरसी की, देखिए इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट तो 1/2 है, और y कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो y कोऑर्डिनेट √3/2 आएगा. भाई ये 1 है तो ये 1 cos 60, ये 1 sin 60, बोलो हाँ कि ना. अच्छा, अब मेरे को सबसे पहले xc कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो डियर xc की बात करते हैं तो इट इज m1 x1, सो इट इज 50 × 0 प्लस में 100 × 1 प्लस में 150 × 1/2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास, दैट वैल्यू इज 250 + 50, दैट इज 300. 50 × 0, 0, ये 100 और ये वाला 75, सो इट इज 175 डिवाइडेड बाय 300. 25 से कैंसिल आउट किया तो ये वाला डाटा तो आ गया मेरे पास 7/12 meter, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो तो 7/12 meter है. नाउ व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो डियर yc जो मेरे पास आएगा m1 y1, तो इट इज 50 × 0 प्लस m2 y2, दैट इज 100 × 0 प्लस m3 y3, दैट इज 150 × √3/2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास, दैट कम्स एज 300. ये तो 0, ये 150 / 300, तो 1/2 बचा, 1/2 साथ में √3/2, मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर √3/4 आ गई. तो यहां से यदि मैं बात करता हूं बेटा तो करेक्ट आंसर जो मेरे पास आ रहा है 7/12 √3/4 meter, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो ठीक. चलिए आगे बढ़ाते हैं 17 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है
कि 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट ए पॉइंट. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतलानी और 1 kg के रेस्पेक्ट में. देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ क्वेश्चन में वही है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करनी है बट आपको पर्टिकुलरली किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिए करनी है इसके रेस्पेक्ट में. तो 1 केजी को यदि मैं ओरिजिन कह देता हूं तो बिटू इसका कोऑर्डिनेट हो गया सेंटीमीटर में लेकर चले तो 3.0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0.4. सीधी सी बात है साहब, बोलो हाँ कि ना, सही है. अच्छा डियर, तो हमने कहा फिर वही बात की एक्स सी की वैल्यू तो m1 x1 1 × 0 1.5 × 3 दैट इज 4.5 प्लस में 2.5 × 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 ये दोनों का समेशन 4 और ये वाला 5. तो ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है दिस वैल्यू इज कमिंग इज 9/10. 9/10 की बात करें तो 0.9 4.5/5 45/50 9/10 9/10 बोले तो 0.9 सेंटीमीटर. इससे इधर 0.9 सेंटीमीटर में. वैसे आंसर की बात करें तो बेटा जी आंसर तो यहीं से आ चुका है, एक्स सी आ चुका है ना. व्हाट अबाउट वाई सी, है ना. वाई सी की यदि आप बात करते हो तो वाई सी देखो सबसे पहले 1 × 0 प्लस 1.5 × 0 प्लस में 2.5 × 4 तो 2.5 × 4 दैट इज 10. मैंने कहा m1 y1 1 × 0 दैट इज 0 1.5 × 0 दैट इज 0 2.5 × 4 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय द टोटल मास दैट इज 5. तो ये वाला डाटा आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर. तो इससे राइट में 9 सेंटीमीटर और अपवर्ड में 2 सेंटीमीटर पर होगा. सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो ठीक. चलिए जी सर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 18th के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. 19 में कहा गया, देखिए यही बार बार जो मेनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पर, कोलिजन पर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन, केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना थिन फ्लैग प्लेट ऑफ मास 4 kg ऑफ सेम एज शोन इन फिगर आर. इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मास 4 kg है. देखिए मास 4 kg, मैंने कहा मास डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है. इसको ब्रेक किया यहां से, इस वाली प्लेट की ये विड्थ है 1 और ये हाइट है 3, तो इसका एरिया 1 × 3 और इसका एरिया 1 भाई ये 1 2 तो ये 1 और ये भी 1, तो इसका एरिया 1 × 1 और इसका एरिया 1 × 3 तो ये आया 3 m² और इसका एरिया 1 m². इसका मतलब मैं कहूं कि साहब इस टोटल मास जो 4 kg था इसमें से 3 kg तो इसका मास है और डियर जो 1 kg है वो इसका मास है. 3 kg इसका मास है और 1 kg इसका मास है बोले. हाँ तो अब इस मैं कहूं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दोनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बता दो. तो भाई साहब जो 3 kg है उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इधर बीच में और इधर यहां भी बीच में, तो 3 kg का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मेरे पास आया 1/2 कोमा में 3/2. पहला तो ये, दूसरा जो ये 1 kg है वो यहां बीच में होगा, यहां बीच में होगा तो इधर तो 1 और हाफ और चलना है मतलब 3/2 और हाइट में 2 से ऊपर हाफ जाना है, 2 से ऊपर हाफ जाना है. तो इस 1 kg का जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है दैट कोऑर्डिनेट इज कमिंग एज 3/2, 5/2. 3 kg आ गया 1/2, 3/2 पर और 1 kg आ गया 3/2, 5/2 पर. तो RC यदि मैं निकालता हूं m1 r1 तो 3 × 1/2 प्लस m2 r2. पहले x निकाल लेते हैं, xc की बात कर ले, xc की बात करते क्या करते हैं, m1 x1 + m2 x2 = m1 + m2. yc की बात करेंगे, m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2. बात तो सेम ही है, बस अप्लाई करना सीखना है. प्लस में 1 × 3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 4. दिस वैल्यू इज 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 3. 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट वैल्यू इज कमिंग एज 0.75 मीटर. मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0.75 मीटर है. नाउ व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट m1 y1 + m2 y2. सो 3 × 3/2 दैट इज 9/2, 1 × 5/2 दैट इज 5/2. तो 3/2 + 5/2 दैट इज 8/2, 8/2 बोले तो 4, टोटल मास भी 4. तो y कोऑर्डिनेट जो अपने पास निकल कर आ रहा है
यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक अपन ने कर ली. देखो 3 × 3/2 दैट इज 9/2, 1 × 5/2 तो 9/2 + 5/2 दैट वैल्यू इज 14/2. 14/2 साथ में 2 हो रहा है तो इट इज 7/4. 7/4 से बात करें तो ये वाला डाटा जो मेरे पास निकल कर आ रहा है, दिस डाटा इज कमिंग एज 1.75 मीटर. मतलब x कोऑर्डिनेट 0.75 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 1.75 मीटर है. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो ठीक. चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत शानदार वाला सा क्वेश्चन है. देखिए पहले पढ़ते हैं फिर बात करेंगे 20 में क्या कहा गया है. कि एक पार्टिकल है मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h अबव द ग्राउंड. एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड √2gh. If they collide head on completely inelastically, the time taken for the combined mass to reach the ground in units is okay. देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां से m मास के पार्टिकल को √2gh स्पीड से और यहां से m मास के पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया है. तो ये भाई साहब इधर मूव करते हुए आएंगे और सर इधर मूव करते हुए जाएंगे. जब इस वाले पॉइंट पे ये कोलाइड होंगे तो कोलाइड होंगे तो ये तो नीचे की तरफ डिस्टेंस चलकर आ गया कितनी, हाफ जीटी स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस चल के चला गया कितनी, हाफ सॉरी यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर. बोलो हाँ कि ना बोले हाँ. तो जितनी डिस्टेंस ये गया प्लस जितनी डिस्टेंस ये गया उस टोटल डिस्टेंस की वैल्यू एच के इक्वल होगी. बोले सही है. तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट वाले की ट्रेवल्ड डिस्टेंस है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, दूसरे वाले की ट्रेवल्ड डिस्टेंस है हाफ gt स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो h के इक्वल आ रही है. हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर तो गया तो टाइम की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई h बाई u. इतने टाइम के बाद दोनों बॉडीज के बीच कोलिजन होगा. बोलो सेट है. बोले जी ठीक है. तो कोलिजन के टाइम फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो होगी यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, और सेकंड वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी होगी माइनस जी टी जे कैप. बोलो हाँ कि ना बोले हाँ. सही बोलो भाई. इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो यू माइनस जी टी से चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी माइनस जी टी से चेंज होगी. तो मैंने कहा जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन अपने पास लीनियर मोमेंटम जो आ रहा है साहब वो इतना आ रहा है. जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के ठीक बाद जो लीनियर मोमेंटम अपने पास आ रहा है दैट लीनियर मोमेंटम इज दिस. तो यहां से देखो एक तो m सही हो गया, ये वाला डाटा यू आई कैप माइनस टू जी टी जे कैप, तो यू माइनस टू जी और टी के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया एच बाई यू इज इक्वल टू टू वी. बोलो हाँ कि ना. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कि जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन. मैंने कहा जस्ट आफ्टर द कोलिजन मान लो वेलोसिटी वी है तो अच्छा. यहां से साहब आपका यू जो है देखो वैल्यू जैसे ही पुट करोगे इट इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच डिवाइडेड बाई यू एस रख दिया एक बार इज इक्वल टू टू वी. अब आपका यू स्क्वायर जो है वो टू जी एच के इक्वल है, टू जी एच माइनस टू जी एच दैट इज जीरो. इसका मतलब वेलोसिटी जो आ रही है वो जीरो आ रही है. मतलब कोलिजन के ठीक बाद कंबाइंड मास रेस्ट में होगा. कोलिजन के ठीक बाद कंबाइंड मास रेस्ट में है. यदि कंबाइंड मास रेस्ट में है तो इस कंबाइंड मास की ग्राउंड से हाइट के बारे में बात करनी है कि साहब कंबाइंड मास को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम निकालना है. यदि मान लो ये कंबाइंड मास ग्राउंड से एच डेस हाइट पर है, मान लो यदि ये कंबाइंड मास ग्राउंड से एच डेस हाइट पर है तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा. बोले जी साहब √2hdivided/g का लगेगा. मतलब एच डेस आते ही क्वेश्चन सोल्व है. तो मैंने कहा ग्राउंड से हाइट देखी, ग्राउंड से हाइट देखी तो ये देख ले कितनी डेप्थ गिरा. तो यदि मैं हाफ जी टी स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कितनी डेप्थ फॉल हुआ, इट इज जी बाई टू साथ में एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू, यू की वैल्यू √2gh.
जैसे ही पुट किया दिस डाटा इज एच बाई फोर, मतलब ये ग्राउंड से, मतलब ये टॉप पॉइंट से एच बाई फोर फॉल हो चुका है, तो डियर ग्राउंड से उसकी जो हाइट होगी दैट हाइट विल बी 3h बाय 4, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। तो जो टाइम उसको लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में 2 बाय z साथ में 3h बाय 4, देखो डियर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये डाटा मेरे पास आ गया रूट 3 बाय 2 इनटू में अंडर रूट h बाय g। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को यही देखना था कि रूट h बाय g का कौन सा कोफिशिएंट होगा। बोले जी साहब रूट एच बाई जी के लिए रूट थ्री बाई टू कोफिशियंट होगा, इतने टाइम में बॉडी ग्राउंड पर रीच करेगी। क्वेश्चन का अप्रोच क्या, पहले देखा कि कोलिजन कितने टाइम में हुई, जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी देखी जीरो आ गई, फिर देखा कि कोलिजन ग्राउंड से किस हाइट पर हो रही है और उस हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट अपर ने कर लिया। बोलो सेट है क्या सर? तो यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं बिटू, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं 20 के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि दैट एज सोन इन फिगर व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ ऑफ रेडियस 1 मीटर इज कट आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पार्ट स्फीयर एट जी ऑन द सर्फेस ऑफ द कैविटी आर कैन बी डिटरमाइंड बाई द इक्वेशन। देखो साहब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक स्पीयर है जिसकी रेडियस है आर, और इसमें मैंने एक स्पेरिकल कैविटी फॉर्म की है कुछ इस टाइप से कि उसका सेंटर यहां है ओ, ये रेडियस है 1 मीटर, और रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो यहां आ रहा है। ठीक है, रेडियस डिटरमाइन करने की इक्वेशन क्या होगी? मैंने कहा साहब मान लो मास डेंसिटी जो है वो रो है, मास डेंसिटी जो है वो रो है, तो कंप्लीट स्फीयर का मास दैट इज रो इनटू 4/3πr³, कैविटी का मास दिस इज फॉर कंप्लीट and this is for removed. Removed का मास आया रो इंटू 4/3π साथ में 1³, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। इसको अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करते हैं कि ये जो स्पेरिकल कैविटी मैंने काटी थी, यदि इस स्पेरिकल कैविटी को वापस से इसके ऊपर चिपका दूं तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बोला ऊपर। अच्छा देखिए ये कंप्लीट का सेंटर है सी, ये वाली जो डिस्टेंस मेरे पास आई ये डिस्टेंस आ गई r-1, मतलब जो कैविटी वाला मास रिमूव्ड हुआ है, जो कैविटी वाला मास रिमूव्ड हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास यहां से r-1 डिस्टेंस पे है, और देखिए ये डिस्टेंस जो है, वैसे मैं कहूं यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 2r है, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, सही? ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये 2r-2, ये 2r-2, यहां से यहां तक की ये r है, तो ये बची हुई डिस्टेंस r-2r-2 होगी, तो r-2r-2 किया तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई 2-r पर। बोलो सेट। मैंने डिस्टेंस कैलकुलेशन देखी, मैंने कहा ये डिस्टेंस 2r है, ये 2 है, तो ये 2r-2 है, ये यहां से यहां तक की r है, तो ये डिस्टेंस बच गई 2-r। तो जो रिमूव्ड पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन है, यदि उसका सेंटर ऑफ मास यहां, तो उसके x कोऑर्डिनेट का ये हो गया, तो मैंने कहा कैविटी वाले को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि कैविटी का मास यदि मैं इसको m1 कह दूं और mco माइनस में से m1 रिमूव करके उसको m2 कह दूं, तो ये मास m2 रिमेनिंग का,
और यदि दोनों को वापस रख दूं, मतलब केविटी वाले को वापस रख दूं, इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट है -2 -r और इसका सेंटर ऑफ मास है 1, 0 पर, तो इन दोनों को कंबाइंड करके वापस यदि देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। इसका मतलब m1r1 = m2r2। अब m1r1 = m2r2 की बात की तो m1 तो है मेरे पास रो इंटू 4/3π³। ओके ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये r-1 हुआ, सॉरी यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक की है, ये डिस्टेंस 1 है ना, यहाँ ये वाली 1 है, ये r है तो ये r-1। तो m1 4/3π × 1³ × डिस्टेंस r-1 = इधर m2r2। मास मोमेंट बराबर होता है, m2 का मास जो है वो m1 - m2, तो रो इंटू 4/3π साथ में r³ - 1 इंटू में r2 दैट इज 2 - r। यहां से सोल्व किया तो रो इंटू 3/4π से 4/3π ये तो गया, ये r³ - 1³ है, दैट कैन बी रिटन एज r-1 × r² + r + 1, साथ में कितना साथ 2 - r, और इधर वाला डाटा कितना है बोले जी r-1। अब देखो बिट्टू r-1 से r-1 तो सही हो गया, ये डाटा बचा r² + r + 1 साथ में 2 - r = 1, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर सेकंड वाला आता है। कंसेप्ट को दोबारा समझना एक बार, क्या किया गया है, मैंने कहा पहले कैविटी का मास निकाला, कंप्लीट स्फीयर का मास निकाला तो रिमेनिंग का मास निकाला, फिर मैंने कहा यदि कैविटी को वापस से सुपरपोज कर दूं, तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होना चाहिए, तो कैविटी को रख दिया, बोला कैविटी को रखा कितनी डिस्टेंस पर, कैविटी का सेंटर ऑफ मास r-1 पर है तो m1 को वहां रखा, m2 को इधर वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी -2 - r पर रखा, तो यदि सेंटर ऑफ मास यहां ओरिजिन पर है तो मास मोमेंट m1r1 और m2r2 बराबर होंगे। जैसे ही मैंने इसको इक्वल पुट किया यहां से अपने पास वैल्यू निकल कर आ गई r के लिए इक्वेशन, बोलो सेट। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं 21 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है ना, समझना जरा बात को। बोल रहा है दैट टू मासेस ए एंड बी ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर फिक्स्ड टुगेदर बाय ए मासलेस स्प्रिंग, ओके ए फोर्स एक्ट्स ऑन द मास कैपिटल बी एज शोन इन फिगर, जैसे डायग्राम में है वैसे फिगर में शो हुआ है। द मास कैपिटल ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम मास कैपिटल बी, मास कैपिटल ए जो है वो मास कैपिटल बी से अवे मोशन शुरू करता है, मास कैपिटल बी से क्या शुरू कर रहा है बोले जी अवे मोशन शुरू कर रहा है। अब देखो यदि ये अवे मोशन शुरू कर रहा है इसका मतलब इस पर स्प्रिंग के थ्रू इस डायरेक्शन में कोई टेंशन फोर्स लग रहा होगा, बोलो यस और नो, बोले हाँ। अब यदि इस पर स्प्रिंग के थ्रू इधर वाली डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है तो ये जो मास बी है इस पर इधर वाली डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी लगेगा, भाई यदि इस पर इधर फोर्स लग रहा है ना दैट मीन्स स्प्रिंग इज इन कंप्रेस्ड स्टेट, और यदि स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर और इस वाले पर फोर्स लगेगा इधर। अब इस वाले पर फोर्स लगा इधर तो मैंने कहा इसका एक्सीलरेशन स्मॉल ए है तो टी की वैल्यू सबसे पहले कैपिटल एम ए के इक्वल होगी, और इसके लिए क्या बोलेंगे, बोला सर इधर फोर्स लग रहा है इस पर एफ प्लस टी दैट इज कैपिटल एम इनटू में एक्सीलरेशन ऑफ बी, सिंपल सी बात। बहुत सारी जगह आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत मिलने वाला है, सीधी सी बात के साथ टेंशन लगेगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड यदि ये इधर मूव करता है तो ये तभी करेगा जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में होगी, यदि स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है तो इस पर फोर्स लगा इधर तो ऑब्वियसली इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो इसका फोर्स एफ तो लगी रहा है एक टेंशन फोर्स टी और लग गया तो एफ प्लस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बी, जैसे टी के प्लेस पर यहां एम ए पुट किया दिस इज एफ प्लस एम ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ बी, so from here we can say that third one is the correct answer। by simple सी बात spring compressed है तो इधर वाले mass को इधर push करेगी इधर वाले mass को इधर push करेगी, बोलो ठीक। चलिए जी सर बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं, next यदि मैं इसमें बात करूं 22 के बाद the next one is question number 23। देखिए 23 में क्या कहा जा रहा है, the two particles of equal mass small m respectively
इनिशियल वेलोसिटीज यू आई कैप एंड यू आई कैप प्लस जे कैप बाई टू दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस. दोनों का मास स्मॉल एम और स्मॉल एम है, कंप्लीटली इन इलास्टिक मैनर में कोलिजन हो रही है, तो उनका सबसे पहले लीनियर मोमेंट प्लस एम यू बाई टू आई कैप प्लस एम यू बाई टू जे कैप. This is the initial linear momentum. Finally, mass combine हो गया. तो मान लो velocity v आ गई, so it is 2m into v. तो velocity v की value जो मेरे पास निकल कर आ रही है यहाँ से, this is u by 2 plus u by 4, that is 3u by 4 i cap plus u by 4 j cap. Now what I have to calculate the energy loss. देखिए energy loss की बात करते हैं, तो यहाँ जो speed है ये u है, और यहां वाले पॉइंट पर जो स्पीड है दिस इज u बाई टू साथ में रूट टू, मतलब इसकी स्पीड जो है वो u बाई रूट टू है. u बाई टू तो बाहर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज u बाई रूट टू स्पीड आ गई. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो आ गई साहब हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम u square by 2, this is the initial kinetic energy. In the final kinetic energy is half into my total mass 2m minus me, sorry into me. यहाँ पर speed निकालेंगे तो यहाँ पर speed आएगी मेरे पास 9u square by 4 and it is u square by 4, तो 10 u square by 4 मतलब 5u square divided by 2. जैसे ही ये data इसमें put करते हैं it is 5u square divided by 2. बोले जी ठीक. ये mu square by 2 plus mu square by 4, that is 3 mu square divided by अपने पास कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया माइनस में. ये वाला डाटा जो मेरे पास निकल कर आ रहा है इट इज कमिंग एज 16 10 u square by 4, एक फोर और पड़ा हुआ रहेगा, एक फोर और पड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ एक फोर और आएगा, सो इट इज 5 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. दिस वैल्यू इज 3 mu स्क्वायर बाय 4, दिस वैल्यू इज 5 mu स्क्वायर बाय 8, बट स्क्वायर करोगे तो 9 u स्क्वायर बाय 16 प्लस u स्क्वायर बाय 16, 10 u स्क्वायर बाय 16, सो इट इज 5 u स्क्वायर बाय 8. तो वैल्यू सोल्व करने पर दिस इज 6 बाय 8, दिस इज 5 बाय 8, तो 1 बाय 8 बच गया. तो मतलब वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आ रही है that value is coming as mu square divided by 8. This is the energy loss in this process. बोलो ठीक. चलिए जी सर आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें. 22, 23 अपना हो चुका है, 23 के बाद the next one is question number 24. 23 में करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकेंड वाला जो आंसर है अपना 1 by 8 mu square, that is the correct answer. बोलो ठीक है क्या. अच्छा 24 में अपने को ये कहा गया है साहब कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, इस प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एक्स एक्सिस. व्हेन इट हैज रीच्ड द मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स कंप्लीटली इन इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी u i cap. द ओरिजिनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज. देखो डियर ये m मास के पार्टिकल को अपन ने u स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचेगी तो यहां पहुंचे और इसके पास यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो u cos 60 होगी, और cos 60 किसके इक्वल होता है, बोला 1 by 2 के, तो इधर वेलोसिटी 1 by 2. फिर उसके बाद एक मास m यहां पर पहले से पड़ा हुआ है जिसके पास वेलोसिटी u i cap है, तो मैंने कहा कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हुई, तो सब टोटल मास तो हो गया 2m, और इसके पास वेलोसिटी इधर आ जाएगी 3u by 4. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है mu by 2 plus mu, और फाइनल लीनियर मोमेंटम दैट इज mv, तो v की वैल्यू किसके इक्वल निकल कर आ रही है, बोला 3u डिवाइडेड बाय सॉरी 2m, तो इट इज 3u by 4. ये फाइनल स्पीड आ गई. अब ये कहा गया कि ये कंबाइंड मास ग्राउंड पर पहुंचने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैंने कहा हाइट तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, ओरिजेंटल में हुआ, तो वर्टिकल में मोशन वैसा का वैसा, मतलब यहां से यहां पहुंचने में बॉडी को जो टाइम लगा वो लगा u sin 60 डिवाइडेड बाय g, तो यहां से यहां पहुंचने में भी बॉडी को टाइम लगेगा u sin 60 बाय g.
तो ये जो डिस्टेंस बॉडी ने x डायरेक्शन में ट्रेवल की है, दैट डिस्टेंस विल बी x वेलोसिटी, दैट इज 3u/4 इनटू में u sin 60 डिवाइडेड बाय z. सो दिस वैल्यू कम्स एज 3√3u² डिवाइडेड बाय 8z. इतनी डिस्टेंस, ये वाली बात समझ में आई क्या बेटा जी? कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वही मोशन रहेगा जो पहले रहना था. तो यहां से यहां यदि कोलिजन नहीं होती तो भी यहां से यहां u sin 60 / z का टाइम लगता. कोलिजन हो गई तो वर्टिकल में कोई चेंज नहीं हुआ, वही ग्रेविटेशनल फोर्स, वही हाइट, तो टाइम तो अभी भी क्या लगना है, सेम. भाई आप किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाओ, बॉडी को इधर u वेलोसिटी देखकर छोड़ो, बॉडी को इधर 2u देखकर छोड़ो, 3u देखकर छोड़ो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, बट हर एक केस में लगने वाला टाइम जो होगा दैट टाइम विल बी सेम. बोलो सेट है क्या? बोले जी ठीक है. तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आ रही है हॉरिजॉन्टल कवर्ड डिस्टेंस की, दैट इज 3√3u² डिवाइडेड बाय 8z. बोलो सेट. चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं 24 के बाद. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि दैट ए रोड ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू दिस. ओके, रो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट बताना है. मैंने कहा देखो ये एक रोड है एक्चुअली, ऐसे ये वाला पॉइंट है रोड के लिए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू एल. रोड के लिए लीनियर मास डेंसिटी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर से गिवन है, तो मेरे को यह बतलाना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो अपन क्या करते हैं, बोले जी साहब यहां से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं. उस एलिमेंट का मास डीएम की वैल्यू किसके इक्वल होती है? बोले जी लैम्डा डी एक्स के इक्वल होती है. और एक्स सी जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. लिमिट कहां से कहां तक? रोड की लेंथ एल जा रही है तो लिमिट अपन लगा देंगे 0 से एल तक. सिंपल सा तरीका है. अच्छा वैल्यू रखते हैं जरा. तो साहब मेरा एक्स सी जो आया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये रहा साथ में एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये बना ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर डी एक्स. लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, दैट इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स. लिमिट 0 से एल, तो ऊपर वाले में तो आया ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. नीचे वाले में आया ए एल प्लस बी एल डिवाइडेड बाई 3. भाई एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एल स्क्वायर बाई 2, इसका एक्स की पावर 4 बाई 4 एल स्क्वायर बाई 4 आएगा, बट एल की पावर 4 बाई 4 आएगा तो एल स्क्वायर नीचे से पहले से कैंसिल आउट. इसमें जैसे एल क्यूब आएगा तो एल स्क्वायर पहले से, तो कैंसिल आउट. यहां से सोल्व किया तो ऊपर न्यूमरेटर में एल स्क्वायर तो है कॉमन, और ये जो डाटा आया ये आया 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 4. नीचे ऐसे डियर एल है कॉमन और ये वाला डाटा आया 3a प्लस b डिवाइडेड बाई 3. तो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 3l डिवाइडेड बाई 4 साथ में 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 3a प्लस b. दिस इज द लोकेशन ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. बोलो सेट है. तो यहां से यदि मैं इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो ये आ गया 3a by 4, 2a plus b था आपने 3a plus b. Third one is the correct answer. Okay dear, तो इस सेशन में हमारी तरफ से इतना ही. इसमें हमने सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन से रिगार्डिंग टोटल 50 में से 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. अगले जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय.